नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा चार जबरदस्त और दोस्तों खुफिया सेटिंग बताने वाला हूँ। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ये चारों के चारों सेटिंग कर लेते हो, तो दोस्तों डेफिनेटली आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी कम से कम 4 दिन तक 72 घंटे से ऊपर ही चलेगी। दोस्तों, ये चारों सेटिंग को जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को बिना स्किप के कंटिन्यू देखना होगा। वीडियो देखने के बाद दोस्तों अगर आपको फायदा मिले या दोस्तों आप लोग इसे पूरा समझ लेना, तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करना, कमेंट करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट नंबर सेटिंग के बारे में। दोस्तों, ये जो आपका नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ पे इस तरह से आपको डाउन करना है, और डाउन करने के बाद दोस्तों ये जो आपका लोकेशन बटन दिख रहा है, दोस्तों ये लोकेशन बटन चाहे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बंद रहे चाहे चालू रहे, बट दोस्तों इसके अंदर एक ऐसा सेटिंग छुपा है जो दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है वो दोस्तों ड्रेन करता रहता है, यानी कि दोस्तों डिस्चार्ज करता रहता है। कैसे करता है दोस्तों सारा सब कुछ, यहाँ पे एक बार आपको लॉन्ग प्रेस करना है समझने के लिए। अब दोस्तों जैसे ही इस पर टैप करो, आपके सामने यहाँ पर एक सेटिंग निकल के आता है, पोजिशनिंग कंट्रोल। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस पर टैप कर देते हो, तो आपके सामने यहाँ पर 2 सेटिंग ऑन नज़र आता है। इन दोनों सेटिंग को दोस्तों यहां से आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर चाहे लोकेशन बटन बंद रहे चाहे चालू रहे, बट दोस्तों ये बैकग्राउंड में, यानी दोस्तों वाईफाई ऑटोमेटिक स्कैन करता रहता है, ब्लूटूथ स्कैन करता रहता है, जिससे कि दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ड्रेन होती रहती है, यानी कि दोस्तों डिस्चार्ज होती रहती है। आपको पता ही होगा कि अगर कोई सा भी अगर नेटवर्क आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई स्कैनिंग करता है, तो उस समय आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ज़्यादा खपत होती है। तो अगर आप इसे बंद कर देते हो, तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बहुत स्लो कम खर्च होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इसे ऑफ करके बैक आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलता है, गूगल लोकेशन एक्यूरेसी। इस पर दोस्तों आपको टैप करना है, और दोस्तों टैप करने के बाद आपको यहाँ पे इम्प्रूव लोकेशन एक्यूरेसी पे आपको यहाँ पे इस तरह से ऑफ रहेगा तो ऑन कर देना। इतना कर देने से दोस्तों ये आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके बैटरी को कम खर्च करने में। तो यहाँ पे दोस्तों ये फर्स्ट नंबर की सेटिंग हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं 2 नंबर की सेटिंग के बारे में, जो कि दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, कम खर्च होगी। तो यहाँ पे 2 नंबर का दोस्तों ये सेटिंग क्या है, आपको जानने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कहीं से भी एक सेटिंग ओपन करना है, और दोस्तों हर एक एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सेटिंग होता है। पहले पुराने फ़ोन में ये सेटिंग वगैरह नहीं मिलता था, यानी कि जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन अब मिल जाता है। यहाँ पर एक डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस नाम से एक सेटिंग मिल जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है, इसके अंदर एक सेटिंग करनी है, जो कि दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बहुत कम खर्च होगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मेरा डिस्प्ले दिख रहा है ऑटो में है, ब्राइटनेस यहाँ पे देख रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक डार्क मोड का सेटिंग मिल जाता है, यानी कि दोस्तों अगर आप इस पर टैप कर देते हो, तो दोस्तों ये भी सेटिंग आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को कम खर्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इसकी भी ब्राइटनेस कंट्रास्ट को आप घटा बढ़ा सकते हो ज़रूरत पड़े तो। लेकिन दोस्तों आप यहां पे डार्क मोड इनेबल कर देते हो, तो यहां पे इस तरह से आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बहुत कम खर्च होगी, और इस तरह से जो आपकी बैटरी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी पहले की अपेक्षा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 3 नंबर सेटिंग के बारे में, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसे जानने से पहले एक चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले जब हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रिचार्ज कराते थे 400-500 में, तो दोस्तों 1 GB डेटा मिलता था, और वही डेटा दोस्तों हमें 1 महीने चलाना होता था, और दोस्तों अनलिमिटेड कॉल मिलता था। बट दोस्तों आज के समय में 150-200 में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और दोस्तों 1.5 GB डेटा मिल जाता है, जिसका दुरुपयोग हम लोग क्या करते हैं कि दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो इंटरनेट बटन है इसे चालू करके छोड़ देते हैं। और इसे चालू करके छोड़ने से हमें घाटा क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं, जितने भी ये दोस्तों बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, इनका जो प्रोसेसिंग है वो बैकग्राउंड में होता रहता है, और आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी खर्च होती है और डेटा भी खर्च होता है, तो दो नुकसान यहाँ पे होते हैं। जैसे ही उसके अंदर कुछ भी दोस्तों इम्प्रूवमेंट होता है, वो बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग करने लगता है, और दोस्तों इंटरनेट और बैटरी दोनों तीनों चीज़ खर्च होने लगता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो इंटरनेट बटन है, जब ज़रूरत पड़े तो ही इसे चालू रखना है, अन्यथा आपको बंद कर देना है। बंद करने से आपको यहाँ पे बैटरी भी कम खर्च होगी और डेटा भी कम खर्च होगा, तो ये आपको कर लेने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 4 नंबर की यहाँ पे सेटिंग के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों ये आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर
यहाँ पे सेटिंग में ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसे ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाने हैं, बिल्ड नंबर को ढूंढना है, नहीं मिले तो मेरी तरह दोस्तों यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे ढूंढ लेना है। यहाँ पे देख सकते हो कि सर्च कर लेना है डेवलपर ऑप्शन, आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है और आपको यहाँ पे धीरे धीरे स्लोली स्लोली नीचे आना है, स्लोली स्लोली नीचे आना है और आपको यहाँ पे एक सेटिंग करनी है दोस्तों, वो सेटिंग मुझे भी यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो सेटिंग है आप देख सकते हो एप्स के अंदर मिलेगी, आपको काफी नीचे आना है और नीचे आके आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, आपको एप्स में आने हैं और उसके नीचे यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर में नीचे लिख रहा है स्टैंडर्ड लिमिट, दोस्तों इस पर टैप करना है और दोस्तों जैसे ही टैप करोगे तो आपके मोबाइल फोन के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे टैप कर देना है। अगर ये चार सेटिंग दोस्तों जो मैंने आपको बताया अपने मोबाइल फोन में कर देते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपके जो मोबाइल फोन की बैटरी है वो 72 घंटे या दोस्तों 4 दिन तक भी चल सकती है, आपके बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने इस वीडियो के अंदर जानकारी दी है पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से इसी तरह की एक और न्यू और कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।